दोस्तों, अगर आपको मछली खाना पसंद है तो एक बार इस फिश फ्राई को जरूर ट्राई कीजिए। घर के बेसिक मसालों से और बहुत ही झटपट यह बनकर तैयार हो जाते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की बहुत ही आसान फिश फ्राई की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कतला फिश लिए हैं। आप अपने पसंद के कोई भी मछली इसमें ले सकते हैं, जैसे रोहू हो गए या अपने पसंद के जो आप खाते हो। तो इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। एक बार इस तरीके से आपने फिश को बना लिया तो बार बार यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि यह फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मछली रेस्ट कर रही है, तब तक मसाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ काली वाली राई, इसके साथ लेंगे लहसुन की कलियाँ छिली हुई, तो मैंने 10 से 12 लिए हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे, 10 से 12 यहाँ पे काली मिर्च लेंगे और 2 चम्मच साबुत धनिया लेंगे। साबुत मसाले बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है मछली में। मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, अब इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैं यहाँ पे ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसे सिलबट्टे पे पीसूंगी। आप इस मसाले को मिक्सी के जार में भी डालकर पीस सकते हैं, ये आपकी पसंद है। वैसे टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसाले को रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं फिश के तरफ। तो फिश भी यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट कर चुका है, तब इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ 2 चम्मच मसाला। इसके साथ डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मछली के ऊपर मसाले का कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम होने रखा है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही फिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा नमक। नमक डालकर अच्छे से ऑयल को चारों तरफ कढ़ाई में फैला लेंगे। नमक डालने से मछली टूटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, यानी तेल से धुआं आने लगे, तभी मछली को इसमें डालेंगे और इसे एक साइड अच्छे से फ्राई होने दें। मछली को सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। जब यह एक साइड फ्राई हो जाएंगे तो इसे पलटकर दूसरे साइड भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मछली अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो बस अब इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा चटपटा, टेस्टी और मसालेदार फिश फ्राई बनकर तैयार है। तो आप इसे प्लेन राइस के साथ, रोटी के साथ सर्व कीजिए, या किसी के भी साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं प्याज, नींबू और खीरा के साथ। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे इसे सर्व कीजिए। यह फिश फ्राई खाने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है। तो अगर आपको फिश करी खाने का मन नहीं है तो एक बार इस तरह से फिश फ्राई बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।